अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 की। बात करेंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो पहले ओडीआई मैच में कौमी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच 8 मई को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चले बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 की। उससे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मोहम्मद हफीज इस वक्त अनफिट हैं। वो पहले ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 की तो पहले नंबर पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के हार्ड हिटर बल्लेबाज फखर जमान। फखर जमान पिछले मैच में तो खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन शायकीन क्रिकेट पहले ओडीआई मैच में उनसे बड़ी इनकी तवक्को कर रहे हैं। नंबर दो के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं, इमामुल हक और आबिद अली। अगर बात की जाए इमामुल हक की तो इमामुल हक लास्ट मैच में खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, जबकि अगर बात की जाए आबिद अली की तो आबिद अली ने अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी स्कोर की थी। मेरे ख्याल से आबिद अली को इमामुल हक की जगह टीम में शामिल करना चाहिए। नंबर तीन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम। बाबर आजम इस वक्त फुल फॉर्म में है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वाहि T20 मैच में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पहले ओडीआई मैच में भी वो लंबी इनिंग खेलेंगे। नंबर चार पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज हारिस सुहेल। हारिस सुहेल ने भी लास्ट मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। हारिस सुहेल बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग करने की भी सलाहियत रखते हैं। नंबर पांच पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद। सरफराज अहमद का कहना है कि वो पाकिस्तान टीम को फ्रंट से लीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऊपर के नंबरों पर आकर बैटिंग करें। नंबर छह पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के बेहतरीन बल्लेबाज आसिफ अली। आसिफ अली इस वक्त तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अपनी हार्ड हिटिंग से किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। नंबर सात पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम। इमाद वसीम घूमती हुई गेंदों के साथ साथ बैटिंग करने की भी सलाहियत रखते हैं। नंबर आठ पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी अपनी तेज तरीन बॉलिंग से हरीफ बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। नंबर 9 पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम बॉलिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी हसन अली। याद रहे कि हसन अली एक स्टार बॉलर हैं और वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर भी रह चुके हैं। नंबर 10 पर इस वक्त दो नाम सामने आ रहे हैं, फहीम अशरफ और जुनेद खान। अगर बात की जाए फहीम अशरफ की तो वो अपने लास्ट मैच में खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, इसलिए ऐन मुमकिन है कि उनकी जगह जुनेद खान को टीम में शामिल कर लिया जाए। नंबर 11 पर मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के बाएं हाथ के स्पीड स्टार बॉलर मोहम्मद आमिर। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें मोहम्मद आमिर पर होंगी, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे तो उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।